गाइस अभी हम टावर ब्रिज के ऊपर से पार होकर दूसरी तरफ आ गए हैं और अभी चलते हैं इस तरफ से भी आपको दिखाते हैं। हम टावर ब्रिज की दूसरी साइड पे आए हैं और यहाँ पे एक पुराना महल भी है इनका, यानी कि जो कि रानी के महल के नाम से मशहूर है। मैंने लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने उसकी हिस्ट्री पढ़ी थी, वो किंग एडवर्ड का ये टाइम का जो है वो महल है। और ये बिल्कुल हमने हमारे पीछे है, ये रहा टावर ब्रिज और ये रहा वो महल। इसका दरवाज़ा यहाँ से घूम के जाए तो दूसरी तरफ से आता है। सो गाइस ये जो जगह है, ये जगह आपने बहुत सारी पंजाबी मूवीज़ में देखी होगी, ये व्यू उनकी पंजाबी मूवीज़ में आता है। ये जगह बहुत फेमस है मूवीज़ में, बहुत सारी बॉलीवुड की और पंजाबी मूवीज़ जो है वो यहाँ पे शूट हुई हैं इस व्यू के साथ। अमेजिंग, ऐसी एक मेरी वीडियो भी शूट कर दो, आपकी बड़ी प्यारी वीडियो बन रही है यहाँ पे। क्योंकि हमें हूँ प्यारा ना प्यारे हैं आप, बहुत प्यारे हैं। ये रहा वो पैलेस, इस पैलेस को मैं आपको बाहर से ही दिखाऊंगा क्योंकि अंदर नहीं जाऊंगा, अंदर और अंदर इतना कुछ खास देखने को है नहीं, बड़ा बोरिंग सा है अंदर, मैं एक बार जा चुका हूँ। सो अभी बाहर से इसका व्यू आपको दिखाते हैं। ये मेरा फ्रेंड जो है वो पता नहीं क्या भरने की कोशिश कर रहा है। ये जो आपको नीचे से नज़र आ रही है, ये एक नदी हुआ करती थी पुराने ज़माने में, अगर आपने मूवीज़ वगैरह में देखा हो तो वो इस जगह पानी वगैरह भर के तो मगरमच्छ वगैरह छोड़ते थे ताकि दुश्मन जो है वो महल में आसानी से दाखिल ना हो सके। यहाँ पे मगरमच्छ वगैरह भी वो छोड़ते थे, गंदा पानी होता था और ये ब्रिज जो है वो खुल के आता था यहाँ से। जब भी कोई किसी ने महल के अंदर जाना था तो ये ब्रिज खुल जाता था और वो यहाँ से गुजर के जो है आराम से महल के अंदर चले जाते थे। उसके बाद जो है ये बंद हो जाता था ताकि कोई भी बंदा जो है जब दुश्मन वगैरह यहाँ से गुजरते थे तो वो गंदा नाला और मगरमच्छों से भरा हुआ ख़तरनाक नाला होता था तो वो अंदर नहीं जा पाते थे। सो गाइस अभी है हम सेंट थॉमस डोर के सामने आए हैं, इस दरवाजे के सामने। ये आप देख सकते हैं कि पुराने ज़माने की जो होती थी नदी उसकी एक मिसाल अभी भी है यहाँ पे, अभी भी इन्होंने पानी छोड़ा हुआ है और इसमें बहुत ज़्यादा सिक्के पड़े हुए हैं। यार चलो उठाते हैं, यार मेरी फीस पूरी हो जाएगी, मेरे रेंट्स पूरे हो जाएंगे और भी बहुत ज़्यादा बिल्स वगैरह जो है मेरे पेंडिंग है वो भी इससे सब पूरा हो जाएगा। चलें हमसे अमीर तो ये दरिया ये नाली है, नाली अभी नाली बन चुकी है, अभी ये नाली है। पहले ज़माने में ये जो होती थी ये हुआ करता था दरिया, लेकिन अब दरिया नहीं है, अब इसे हम कह सकते हैं नाली नाली। हाँ चलें अभी आगे बढ़ते हैं। तो गाइस गुजरते हुए हम यूरोप की सबसे बड़ी बिल्डिंग को देख के ये सोच रहे हैं कि ये बिल्डिंग तो पाकिस्तानी बिल्डिंगों के आगे कुछ भी नहीं है ना। हाँ यार वो जो हमारे चौके में लगे होते हैं ना वो टॉवर्स है वो उनसे बड़े होते हैं। एग्जैक्टली हमारे पाकिस्तान में लोग लंदन क्यों आते हैं ये बड़े बड़े टॉवर्स देखने, पाकिस्तान में इवन हमारे मर्दान में ऐसा नहीं बोलो, चौक में है कुछ बंदे वो बहुत बड़े, ये बात नहीं करो, कुछ बंदे बुरा बना जाते हैं क्योंकि बड़े अच्छे लगते हैं। तो गाइस अभी हम फोटो के चक्कर में पता नहीं कहाँ आ गए हैं और ये बड़ी भूल भुलैया सी जगह में बन रही है, पता लगे हम किसी होटल में घुस आए हैं। होटल में नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी खुफिया गार में आ गए। ये जो है तमाम टॉवर्स के नीचे है, स्पेशली सदक ब्रिज जो है इसके नीचे टॉवर ब्रिज से तकरीबन तीसरा ब्रिज आता है ये वाला। सो अगर हम देखें ये सीज फायर हुआ है और ये जो है इधर जो है सारा सप्लाई वगैरह होता था ये उसका, इसे आयरन ब्रिज, ये पहले ये सदर ब्रिज जो है इसे आयरन ब्रिज भी कहा जाता था। तो ये वही ब्रिज है जहाँ पर जो है मर्चेंडाइज होता था, जहाँ पर जो है ये सब कुछ होता था। यहाँ पे उन्होंने कुछ फोटोज़ लगाई हुई हैं जो कि ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के टाइम की हैं, इन्होंने बताया हुआ है इन फोटोज़ में, इन स्केचेस में कि कैसे ये ब्रिज बना था। सो ये जो आप देख रहे हैं ये उस वक्त का पुराने का उसका है लंदन की पिक्चर है। ये जो होता था ये क्वींस का महल है जो कि अभी वेस्टमिंस्टर के नाम से जाना जाता है, अभी हम उधर भी जाएंगे आपको दिखाएंगे लेकिन अभी थोड़ा चेंज हुआ है। सो ये फोटो जो है ये है 1710 की और इस फोटो का नाम है द प्रोस्पेक्टस ऑफ लंदन। सो ये यहाँ पे सब कुछ नीचे मेंशन भी है कि ये 1710 की फोटो है। सो आप अगर इस तरफ चक्कर लगाएं तो आप देख सकती हैं इन फोटोज़ को जो कि दीवारों पे बनी हुई हैं। मैं इसके ऑपोजिट में जो है ये लाइब्रेरी होती थी और ये जो है
और ये फोटो है 1616 की, बहुत पुरानी फोटो है लंदन की ये ना। हम अभी बाहर चल के आपको इसकी इस जगह की लोकेशन भी दिखाते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। सो ये रास्ता है इस जगह आने का, यहाँ से वो थेम्स रिवर है। ये हम जब टावर ब्रिज की तरफ से चल के आते हैं तो ये ब्रिज है, इस ब्रिज के बिल्कुल नीचे बनी हुई है ये जगह इस ब्रिज के। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही और हम तकरीबन उस तरफ पहुंच चुके हैं। अभी चलते हैं एक ही बार वहीं चल के आपको दिखाते हैं। सो गाइस अभी हम चलते चलते पहुंच गए हैं मिलेनियम ब्रिज। ये ब्रिज आप लोगों को जो सामने नज़र आ रहा है ये है लंदन का वन ऑफ द मोस्ट फेमस मिलेनियम ब्रिज। इसका एक बहुत ही फ़नी किस्सा है, वो भी मैं आपको चल के बताता हूँ। ये लहरें कितनी प्यारी लग रही है ना, यहाँ पे ऐसे लगता है बीच पे आए हुए हैं। और ये आपको नज़ारा मिल रहा है बीच वाला नज़ारा, ये है लंदन का सबसे सस्ता और मुफ्त का बीच। गाइस हम मिलेनियम ब्रिज के ऊपर चल के आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं। तो ये रहा जी वन एंड ओनली फेमस मिलेनियम ब्रिज जिसके ऊपर हम अभी चल रहे हैं। गाइस अभी हम हैं मिलेनियम ब्रिज के ऊपर। इस ब्रिज की खास बात ये है कि जब ये पुल नया नया बना था तो ये ब्रिज जो है बहुत ज़्यादा लोगों के आने की वजह से जब हवा आती थी तो ये पुल जो है वो खुलता था, लेकिन उसके बाद इस पुल की रेनोवेशन करने के बाद जो है ये पुल दोबारा खोला गया। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं अब ये पुल जो है वो पब्लिक के लिए खुला हुआ है और यहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत है। आप मिलेनियम ब्रिज चाहे साफ़ मौसम में आए यानी कि सनी वेदर में या बारिश के मौसम में जब भी आए इस पुल पे व्यूज़ जो है वो अनमैचेबल होते हैं। इफ मेरा कैमरामैन आपको आगे पीछे कैमरा मार के दिखा सके तो लंदन आई के पास पहुंच चुके हैं। बारिश जो है वो बहुत तेज़ है, हमारे हालात देख सकते हैं आप, हम पूरे गीले हो गए हैं और अभी छतरी हमने रखी हुई है ताकि मैं अपने फ़ोन को कम से कम बचा सकूं। तो ये आपके सामने है लंदन आई, पहले भी आप मेरे व्लॉग में देख चुके हैं, उस व्लॉग में मैं लंदन आई पे बैठा भी था। और इस लंदन आई के बिल्कुल बैक साइड पे है बिग बैन। सो अभी चलते हैं उसी की तरफ जा रहे हैं, सिर्फ एक टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए हम इतना एक टिकटॉक वीडियो के लिए बिग बैन जा रहे हैं। इतनी स्ट्रगल हम सिर्फ एक टिकटॉक वीडियो करने के बनाने के लिए कर रहे हैं। आप अभी जाइए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टिकटॉक पे जाके वो वीडियो भी देखिए और साथ में मेरा भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा टिकटॉक इसका नाम भी करें तो भी काम चल जाएगा, पर मेरे चैनल को जरूर कीजिए। नहीं अगर ऐसा रहे तो इसका वाले को छोड़ दे। अरे देखो बिग बैन के बारे में देखो कितनी लंबी लाइन है, आपको लिंक भी मिलेगा YouTube का। कोई बात नहीं, सर्दी में गीले हो गए हैं तो जुबान फिसल ही जाती है ना। हाँ हाँ वही ना, पर जुबान भी गीली होगी, गीली होने की वजह से वो फिसल गई। ओके चलें आप चलते हैं आगे। सामने रहा जी हाउस ऑफ पार्लियामेंट और बिग बैन, वो सामने देखें। अभी ये पुल क्रॉस करके हम पार की तरफ जाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं बिग बैन। लंदन आई है और मौसम देखें, काली स्याह बारिश है और ये सामने हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड बिग बैन है हमारे सामने, वेस्टमिंस्टर पैलेस और ये है घंटाघर और ये साथ में ऊबर चल रही है। ये ऊबर बोट अभी मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ जो मैंने आपको बोला था। अभी चलते हैं हम यहाँ से गुजरते हुए चलते हैं वहाँ पे बिग बैन के पास और सिर्फ एक टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए ये हम इतनी मुशक्कत कर रहे हैं। इतनी मुशक्कत कर रहे हैं। टुंटुना बज रहा है बिग बैन का। गाइस ये हम बिग बैन के पास आ चुके हैं इस ब्रिज पे चलते हुए। अभी चलते हैं आगे, टिकटॉक बनाते हैं और फिर निकलते हैं। अब बिग बैन की तरफ जाते हैं तो ब्रिज में देखे बहुत सारे ताले लगे हुए हैं। यूरोप में ये बहुत रिवाज है कि बंदे अपनी मन्नतें मांगते हैं और ऐसे ब्रिज के साथ जो है वो ताले लगा देते हैं और हमारे ज़्यादातर जो है इंडियन ब्रादरी करती है। As here we are in front of House of Parliament और बिग बैन। ये रहा जी बिग बैन, ये है वेस्टमिंस्टर पैलेस भी है, इसके ऊपर जो है क्या कहते हैं पार्लियामेंट हाउस भी इसी के अंदर है और ये वो है ये वो पैलेस है, वो माल है जहाँ से लॉ पास होता है, किंग का साइन होता है और सारे जो है लॉ वगैरह बिल वगैरह इधर से ही पास होता है।
और ये आप देख सकते हैं, घंटा घर घंटी बजी है, हर आधे घंटे बाद इधर एक घंटी बजी, टुनटुना बजता है, टुनटुना टुन टुन टुन। बिल्कुल नीचे आपको मुख्तलिफ किस्म की जो है वो दुकानें वगैरह भी मिल जाती हैं, यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। ये हैं तो बिल्कुल उसके सामने ये देखें, बहुत प्यारी चीज़ें मिलती हैं, छोटे छोटे शॉपिस हैं, एक एक पाउंड के लगे हुए हैं, ज़्यादा महंगे नहीं हैं, तो आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। आज बारिश में बहुत ज़्यादा खज्जल खराबी हो गई। आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। Shut up.